फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के शुभारंभ तथा ग्रीनवुड अपार्टमेंट के आवंटियों के लिए आज आवंटन पत्र वितरण के लिए इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायकगण श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, विकास प्राधिकरण बोर्ड के हमारे सदस्यगण श्री राधेश्याम श्रीवास्तव जी, पवन त्रिपाठी जी, दुर्गेश बजाज जी, आज के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर महानगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, प्रशासन और पुलिस के हमारे अधिकारीगण, मैं सबसे पहले इन दो अभिनव योजना के लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और ग्रीनवुड अपार्टमेंट में जिन लोगों के लिए आवास बनने जा रहे हैं उनको आज आवंटन पत्र प्राप्त हुआ है, इसकी भी मैं उनको हृदय से बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर आज से 15 वर्ष 20 वर्ष पहले इस नाम से लोगों के मन में एक भय होता था। सात वर्ष पहले तक भी विकास से कोसों दूर गोरखपुर था और जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं यहां पर आना तो लोगों के लिए अपने आप में एक सपना था, अकेले कोई नहीं आ सकता था। रामगढ़ ताल गोरखपुर की गंदगी का, गोरखपुर के अपराध का एक गढ़ बन चुका था। ये सारी चीजें उस समय गोरखपुर के अंदर थी। फर्टिलाइजर कारखाना बंद हो चुका था, बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्वयं बीमार था, दिन भर जाम में लोगों को फंसना पड़ता था। सर्किट हाउस में अगर कोई अतिथि आ गया, कोई मंत्री आ गया, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी यहां अलग से फोर्स लगानी पड़ती थी। लेकिन आज गोरखपुर की सड़कें 4 लेन और 6 लेन की हो चुकी हैं। आज गोरखपुर का एयरपोर्ट सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। आज गोरखपुर में रेलवे की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज स्वास्थ्य के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में आगे बढ़ा है और एम्स भी आज गोरखपुर में संचालित होकर के अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को यहां के नागरिकों को उपलब्ध करवा रहा है। रामगढ़ ताल जो कभी स्वयं मृतप्राय सा हो गया था, आज 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बेहतरीन प्राकृतिक झील के रूप में पूरे देशवासियों को, हर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यहां पे अब नए नए होटल बन रहे हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने यहां पे क्रूज सेवा प्रारंभ की थी और आज एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो 3 मंजिला है उसको भी आज यहां प्रारंभ किया जा रहा है। ये सुविधाएं परिवार के साथ अगर किसी का मन हुआ कि हम किसी झील के किनारे
परिवार के साथ आज जलपान करेंगे, आज दोपहर का भोजन करेंगे या आप रात्रि का भोजन करेंगे। हो सकता है कभी सद्बुद्धि आए और रवि किशन जी ही बोले कि मैं गोरखपुर वालों से बोलो को आज यहाँ पे 150 लोगों को 300 लोगों को एक साथ भोजन करवाना चाहता हूँ। भगवान करें कभी ऐसी बुद्धि आई गई। तो बगल में उनका घर है तो स्वयं यहां लोगों को बुला करके करवा सकते हैं भोजन आराम से। तो मैं कह रहा हूं बुद्धि पे निर्भर करता है। लेकिन पहले सुविधा नहीं थी और उनके पास भी बहाना था, लेकिन अब बहाना भी नहीं चलेगा, लेकिन आपको सुविधा भी मिल जाएगी। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे, गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी, लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5-स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं, यहां पे अब आप देखेंगे बगल में अतिथि आए, दिन भर का कार्यक्रम आपका बन सकता है। घुमाते घुमाते पहले एक बार चारों तरफ आपने घुमाया, दो घंटे के अंदर आपने पहले सड़क मार्ग से पूरी लेक के चारों तरफ अपने घुमा लिया, फिर यहां पे लेक व्यू का जो आपकी क्रूज सेवा है इसमें भी 1-2 घंटे चले गए, फिर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में चले गए, फिर बगल में जू है वहां भी आप देखेंगे कि जंगल में जानवर कैसे रहते हैं, जंगल में जाने का वो नहीं मिलता तो कम से कम यहीं पे आके देखो ना कितने बड़े बड़े जानवर और कैसे जानवर हैं, प्रकृति के साथ भी आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर गोरखपुर के व्यूज को रात्रि के समय जब यहां पे लाइटिंग होती है कितना बेहतर दिखाई देता है। ये सभी चीजें आज यहां पर एक और आपको उपलब्ध हो रही हैं, लेकिन साथ साथ यहां पे ग्रीनवुड अपार्टमेंट का भी आज यहां पर उनके जितने भी लोग हैं जिन लोगों ने यहां पे रजिस्ट्रेशन कराया था आज उनको आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, और आवंटन पत्र के साथ ही यहां पर उन लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम यहां पर किए जाएंगे, जो यहां पे अपार्टमेंट बनेंगे इनमें लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 5 एकड़ 20 डिसमिल क्षेत्रफल में यह पूरा फैला हुआ है, जिसमें 3 BHK के 300 और 4 BHK के 179 फ्लैट्स यहां पे बनने हैं। यद्यपि लक्ष्य इन्होंने दिया है 2 जुलाई 2027 को ये पूर्ण होगा, लेकिन मैं विकास प्राधिकरण से कहूंगा, गोरखपुर विकास प्राधिकरण से के भी तैयारी होनी चाहिए। और गोरखपुर का जो प्रमुख पर्व होता है वह होता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 2027 के पहले पहले अगर इन लोगों को आवास मिल जाएगा तो खिचड़ी ये लोग वहीं बना करके उस प्रसाद को स्वयं भी खाएंगे और जो लोग आएंगे उन अतिथियों को भी मकर संक्रांति की खिचड़ी खिलाने में इनको भी आनंद होगा। अच्छा घर लोगों को मिलेगा, इतना अच्छा वातावरण आप देखना कुछ समय के बाद, अभी जो आवास आपको यहां पर कुछ ही लाख में मिलेगा, जैसे इन्होंने रवि किशन ने बहुत सस्ते में लिया था मकान, आज इनका मकान करोड़ों का हो गया, ऐसे ही आपके अपार्टमेंट भी जो आप बनाएंगे, जो फ्लैट आप यहां पर बनाएंगे खरीदेंगे, आप देखेंगे कि कई गुना उसका दाम बढ़ेगा। अभी चारों तरफ की रोड को थोड़ा बनने दीजिए, बहुत सुविधा इससे हो जाएगी, बहुत अच्छा यहां पर लगेगा। अभी यहां पर होटलों की एक चेन खुलने जा रही है,
एक होटल बन चुका है, बाकी होटल भी आ रहे हैं। यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर भी बनने जा रहा है, सर्किट हाउस भी यहाँ पर है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इन सब सुविधाओं का लाभ आप ले पाएंगे इस विश्वास के साथ। आज मैं इन दोनों सुविधाओं के लिए एक बार फिर से गोरखपुर विकास प्राधिकरण को धन्यवाद देता हूं। जिन आवंटियों को यहां पर उनकी रुचि के अनुरूप आवास मिल पाएगा, मैं जरूर कहूंगा विकास प्राधिकरण से क्वालिटी का ध्यान और टाइम बाउंड उसको करें। हर हाल में समय से आवास मिले, बल्कि समय से 6 महीने पहले इनको आवास देने की तैयारी होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी के साथ और उनकी डिमांड के अनुसार उस प्रकार की बेहतरीन सुविधा उसमें दिखनी चाहिए। ये चीजें जिससे हम जब उद्घाटन का कार्यक्रम हो उस दौरान भी आ सकें, देख सकें कि हाँ अच्छी सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। और साथ साथ जो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, यह बेहतरीन सुविधा यहाँ पर दे पाएगा गोरखपुर वासियों के लिए भी, उनके अतिथियों के लिए भी, देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए भी उस प्रकार की सुविधा देने में सफल होगा, इस विश्वास के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।